जब भी मैं दरवाजे से बाहर जाने लगता हूँ ना, यहाँ पे देख रही होती है इस तरह करके ना, बिल्कुल सामने दरवाजे की तरफ, मुझे इस तरह लगता है जिस तरह मेरी तरफ ही बस देख रही है कि वापस आ जाओ, कोई चीज खिला दो। आज दोबारा फिर पानी चेंज किया था जिसकी वजह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये रोटियां थी पड़ी हुई, दोबारा फिर ले आए रोटियां, क्योंकि ये बड़े शौक के साथ खाती हैं। आ आ आ आ आ जा, आ गई जी। ये लो अब भाग नहीं, आ जाओ, खाने दो उनको, छोड़ दो। बाकी इनके लिए वो स्विमिंग पूल बनाना था, उसके लिए चीज़ें लेने के लिए गया, पीछे से उन्होंने रैबिट का बता दिया, सभी चीज़ें वहीं पे छोड़ के भाग के आया कि इनको क्या हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये अंडा इसके अंदर क्या है? ये अंडे थे बेटा, थे ना भाई, कह रहे थे कि भाई जिस तरह ये मुर्गी चल पड़ी है ना उठ के, तो ये 5 अंडे खराब ना हो, बच्चे हैं या बीबी हरकत कर रहे हैं, ये तुम्हारे नहीं है। इन दोनों की पता नहीं यारी है कि क्या है, दोनों इकट्ठी ही रहती हैं। यारी तो है। इसके अंडे जो है ना वो उधर रखने लगा हूँ मैं, यार लैदा रखने के बजाय ना उधर इकट्ठे रख देते हैं, चलो हीट ही चाहिए ना, इकट्ठी भी हीट देती रहेंगी। ये अपने नीचे कर रही है दोनों, चलो टेंशन खत्म हुई, जो अलादा अलादा इनको करना था ना, अब ये हीट पहुंचे बस। आज वैसे कमाल हो गया, ये मुर्गी ना अंडा देने के लिए बैठी हुई थी तो हमें पता नहीं था, इसको उठा के हम लोग शिफ्ट कर रहे थे इधर, तो फौरन उसने अंडा दे भी दिया। ये चीज फौरन अगर दिखा देते ना अंडा निकलता हो, जिस तरह कहते कमाल हो जाता, पर थोड़ा सा लेट हुए, 1 सेकंड लेट हुए। पहले हर टाइम इनके सामने दाना वगैरह पड़ा रहता था तो इतनी कदर नहीं होती थी, अब ये आके दिया दाना तो भाग के पड़े हैं जी, दाना छोड़ ही नहीं रहे, बड़े शौक के साथ खा रहे हैं। ये एक टाइम दाना देने से ना ये फ़ायदा है वैसे। ये भी ओपन करके देख लें, सब खैरियत तो है यहाँ पे, खैरियत क्या होनी ये देखो, लोग कहाँ पर बैठी है। ओ चलो, ये अंडों में नहीं बैठ रही यार, ये दोनों ना मेरा बेड़ा घर किया हुआ है, ये देख लो, ये जिस तरह बच्चे इनके हो गए ना बड़े बड़े, मुझे नहीं लगता उन अंडों से आप बच्चे निकलेंगे या ये निकलने देंगे, क्योंकि बैठती ही नहीं है, बैठे ही नहीं तो बच्चे क्या निकलेंगे यार। ये अब अंडे वैसे पड़े रहे और यहाँ पे पड़े पड़े खराब हो जाएं, इनके नीचे रख के देख लेता हूँ, शायद हो सकता है कोई बच्चे निकल जाए यार, थोड़ा सा ऊपर होना पड़ेगा आपको। बैठे शाबाश, अरे छोड़ दे तो ही छोड़ दो, ये भी है सभी को कवर कर लो नीचे। इन दो मुर्गियों के जो यहाँ पे अंडे थे ना वो मैंने कुछ इनके नीचे रख दिए हैं, कुछ उसके नीचे रख दिए हैं और कुछ इसके नीचे रख दिए हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर बैठी रहती है तो शायद बच्चे निकल आए भाई, वरना उम्मीद कोई नहीं है कि निकलेंगे, ये अब बैठे ही नहीं बस, ये अब इस तरह ही नहीं घूमती फिरती है, कोई टेंशन नहीं। जब खाने वाली चीज़ हर टाइम इनके सामने भी रखता था ना, ये भी नहीं खाते थे, मैंने इनको खाते हुए इवन के देखा भी कभी नहीं था, अब दाना ला के फेंका है, अब बड़े शौक के साथ खा रहे हैं भाई। डक को यहाँ से मूव करके ना, जहाँ पे मोर रखे हैं ना वहाँ पे मूव करके डक को भी, और वहीं पे रहेंगी वो पक्की पुक्की, बस यहाँ पे डक्स पक्की पक्की यहाँ पे रहेंगी और मोर भी पक्के पक्के यहाँ पे रहेंगे, ऊपर पंखा लगा हुआ है तो ये यहाँ पे सही रहेंगी। इनका जो पूल का सिस्टम बनाना था ना वो भी इधर ही बनाएंगे, और एक और काम किया है जी, ये जो है ना जगह मोर के अंडा देने के लिए ये बना के रख दी है, क्योंकि ज़्यादातर मोरनियाँ यहाँ पे बैठी होती हैं, अगर अंडा देना हो तो यहाँ पे आके दे सकती हैं अंडा, दिन रात ये यहाँ पे रहेंगी, कभी कभार फिलहाल नवाज साफ कर रहे भाई, और कभी कभार इसको अगर धोना भी पड़े ना तो हमारे पास ये धोने के लिए भी इजीली है, बल्कि सफाई रहेगी। एक तो मुझे इसकी समझ नहीं लगती, ये चाहता क्या है बेचारे काले जोड़े को बैठने दे रहा, अपने बच्चे निकाल के बैठा हुआ है, साइड भी हो जाए यार, चल बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठो, किसने बैठना है, फिर आगे लो बच्चे कैसे हैं जी इनके, बेहतरीन है माशाल्लाह, आंखें ओपन करने लग पड़े हैं आहिस्ता आहिस्ता ना, ये बतखों की आवाजें आ रही हैं, बतखों की आ रही हैं आवाजें बहुत ज्यादा, अरे वो आवाजें निकालती है, मैं आपको बताता हूं नहीं है वो, बाकी ये इन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया ना कहीं पर टनल बनाना, आगे ना रमजान आ रहा है तो आपको ना वो अलार्म लगाने की ना सुबह सैड़ी के वक्त जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर टाइम जगा दिया करेंगे।
क्या हुआ इस फिश को? ये ना जब ओए छोड़ इसको, जब हम सुबह आए थे ना तो ये इधर ना साइड पे इसका ना आँख आँख से भी यार ये कालू खाता है, ये कालू खाता है, इनकी टेल जो है ना ये मुझे कन्फर्म है, ये मैंने देखा भी अपनी आँखों से, ये पीछे पीछे कालू इसके पीछे भाग रहा था और वो उसने छलांग लगाई और वो इधर बाहर आ गया। अच्छा आंखों के सामने, आंखों के सामने नहीं नहीं हमारे आंखों के सामने नहीं। और यार एक मैंने इसका हल निकाल लिया, एक टब है ना हमारे पास, उसमें हम लोग दरमियान में ना एक ईंट रख देंगे और साइडों पे पानी और रेत वगैरह मिक्स करके ना वो रख देंगे जिस तरह का इसको माहौल पसंद है, जब चाहेगा ईंट के ऊपर आ जाएगा, जब चाहेगा पानी के अंदर चला जाया करेगा टब के अंदर। इसकी दुनिया ही अलग कर देते हैं, इधर से निकालते हैं इसको। ये भाई ने मशवरा दिया था, थैंक यू भाई, हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अब ये, इसको ना टब के अंदर छोड़ने वाले हम लोग। शहर गया था मैं ये ड्रम लेने के लिए ना, ये वाला इस ड्रम को हाफ कट करेंगे और दोनों साइड पे ना वो बतके जो है ना वो तैयार किया करेंगे, ये ड्रम मुझे चाहिए था बाई चांस नज़र आ गया है, ये नया पीस नहीं लेकर आ गए ये सही है बेहतरीन है। अमीन भाई को बोलूँगा वो बीच में इस तरह कट कर देंगे ना इसको, स्विमिंग पूल बन जाएगा तत्वों के। ये अमीन भाई को कॉल की है, वो शादी भी गए हुए हैं, वो आते हैं ना जैसे उन्होंने कट करना है कि वो मुझसे प्रॉपर सही तरह से कट नहीं होगा। मेरी पलटून में हरकत शुरू हो गई है, उनको पता चल गया कोई खाने के लिए चीज़ आई है, तो अपना ब्राउनो भी ऊपर से आ गया जी नीचे, या ये ब्राउनो को पकड़ ले या फिर ये खिला दे जो चीज़ कर सकते हैं। सर ब्राउनो को पकड़ो फिर, क्योंकि हम ये क्यूट मोमेंट जो है ना ये मिस नहीं करना चाहते। इधर आओ, इधर 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 आ जाओ यार, बाकी का जो है ना वो जैक जिल और सिंड्रेला के लिए ऊपर लेके जाऊं, क्योंकि उनको नॉर्मली मैं ना इस तरह नहीं करता, वो नवाज वगैरह ज्यादा करते हैं उनका। यार काफी दिन हो गए इसे मारा तुझे, नाखून मारा है तुमने? जी इतना खास नहीं लेकिन इसके ना नाखून बड़े हो गए हैं, ये ना काट काट लेते, चल आ जाना वो तार वगैरह लगा दे यहाँ पे। कैसे काट है? वही ना बहुत प्यारे लगते हैं यार, फैमिली प्यारे लग गए थे आपको? बस था थोड़े, लोग कह रहे थे गाली नहीं निकाली थी सही उसको, मैं तुझे गाली निकाली थी कब? कल नहीं भाई, मैं गाली नहीं निकाली यार सही को, बड़ा निकाल सकता हूँ गाली, गुस्सा हुआ था कि यार ध्यान रखना था चाहिए था, इतना बड़ा यार टॉम है उसको भी भूल गए। आज एक चीज़ ट्राई करें, एक चीज़ ट्राई करें। क्या? ये गोभी थोड़ी सी फेंक के देखते खाती है फिशेज के नहीं खाती? फिशेज किधर से खाती होंगी? चेक तो करते हैं ना, क्या पता चलता है, कोई चीज़ ट्राई तो करनी चाहिए भाई, कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी इतनी ज़्यादा कहाँ पे, बिल्कुल थोड़ी सी, हाँ ये बस बहुत है, अब बहुत है वो यार खुद खानी है। अच्छा खाती है कि नहीं खाती यार, छोड़ देख सेकंड, फौरन नहीं खाती यार, खा रही हैं सब्जी भी खा रही हैं। एक्सपेरिमेंट हमारा कुछ अच्छा रहा यार, ये एक्सपेरिमेंट ये बाद में जाकर डालते हैं, पहले एक काम कर, एक तो फिश है, ये जो फिश है ये फिर कालू के पास आके घूम रही है, ये तो वही है जो सुबह बाहर आ गए, वही ना उसका एक वो जो है ना पर वो उसके ऊपर खून भी लगा हुआ है, तो ये कालू को ना वो टब में निकालना है, टब में पानी डाल दे। अच्छा। और टब में पानी डाल के ना कालू के बाहर निकाल दो, बीच में थोड़ी सी ना ईंट रख दो, ताकि एक ईंट रख दो बीच में, गलती हो जाती है भाई, ये कुछ ज्यादा ही फनी हुआ होगा। आ जाओ ज्यादा नहीं है, अरे मेरी बात सुन, सही है इसमें ये करते ना एक साइड में पत्थर जोड़ देते हैं, पत्थर यही पत्थर निकाल के है सही भी रहेगा, वो निकाल है, काफी निकालने पड़ेंगे, इतने जल्दी से निकाल दे। अच्छा काफी, हाँ काफी, ये चीज बेहतरीन हो गई। अब कालू भाई को इधर लाओ, इसकी एंट्री करें जी अलहदा सबसे, क्योंकि सर बड़ा नुकसान पहुँचा है मेरी फिश को यार, सभी भाई बोलते रहे भाई ये इसी का काम है, इसी का काम है, पर मैं मानते ही नहीं था। घूमो जी घूमो, कालू भाई घूम रहे जी, चल दे हैं ऊपर, वो भी वेट कर रहे हैं। मैं तो भाई काफ़ी दिनों के बाद ही ना उनको देखने लगा हूँ, नॉर्मली दूसरे पेट्स के साथ ही ना, घर वाले पेट्स और जो यहाँ पे है ना उनके साथ ही, इनको भी गोभी देख के ट्राई करते हैं, ये भी खाते हैं कि नहीं खाते? सब्जियाँ तो खाते हैं पैरेट बड़े शौक के साथ। इतनी बहुत है? हाँ बहुत, ऊपर रख देना।
चलो हाथ से खाते कि नहीं खाते देखते हैं। पहले पहले तो एक दिन खा रहे थे लेकिन अब पता नहीं। इधर लाना, इधर रखते हैं। ये इधर तो रखी रखी है, यहाँ पे रखते हैं, ये यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे बड़े ऊपर जितना ज्यादा ऊपर होगा ना उधर शौक के साथ खाते हैं। चलें दोस्तों आज का व्लॉग इधर एंड करते हैं, कल दोबारा फिर मिलते हैं आपसे। अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन को दबा दो ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कल दोबारा फिर मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।